विकास कुमार वर्मा। बताइए आपका मतलब कैसा है ये बंद वगैरह के बारे में बताइए। बंद 50% लोगों ने बंद किया और 50% लोगों ने रोड पे गाड़ी चलाता रहा, उसमें से बहुत सारे जो गाड़ी चलाए उसके शीशे फूटे, पर्दे फटे सर, मतलब पब्लिक मतलब ड्राइवर को भी नुकसान हुआ, चोट वोट लगा। ठीक है, आप बहुत सारे सपोर्ट किए। आरटीओ वाले हम लोगों को अगर ऑनलाइन चलाने के लिए मना कर रहे हैं, हम लोग वो टैक्सी वालों के लिए, आरटीओ वाले बोल रहे हैं कि ऐप जो भी है वो टैक्सियों वाले के लिए, टैक्सी के लिए, ऑटो के लिए अलाउ नहीं है। और हम लोगों को जिसके मोबाइल पकड़ रोक रहा है, उसको मोबाइल चेक कर रहा है, जिसमें पकड़ा जा रहा है उसको 10,000 का चालान भेज रहा है। दस हज़ार का चलाना है, लेकिन 99% अब ऐप ही यूज करते हैं, चाहे वो टैक्सी के लिए यूज करे या तो ऐसी करके नॉर्मली ऑटो यूज करे, लेकिन 90% ऐप यूज कर रहे हैं। शायद ही वैसा जो जिसे मतलब बुक करने के लिए नहीं आता हो वही बंदा नॉर्मल ऑटो कर रहे हैं। नहीं, बाइक तो नहीं चलना चाहिए, बाइक तो कमर्शियल गाड़ी नहीं है, वो ना टैक्स पे करती है ना और कुछ करती है। ठीक है ना, वो कमर्शियल नहीं है, अगर कहीं सवारी को नुकसान भी होती है तो वो कुछ नहीं देगा, कोई जिम्मेवारी नहीं है उसके ऊपर। हमारी गाड़ी के ऊपर अगर कहीं कुछ होती है तो उसके ऊपर जिम्मेवारी भी होता है, केस होती है तो हमारे ऊपर दोनों पर मतलब इतनी होती है। ठीक है ना, उस पर कुछ नहीं हो पाता है, तो बैग को बंद होना चाहिए, बाकी इधर ऑटो चल रहा है तो चलना चाहिए। ऐप का काम बंद नहीं हो सकता जी, ऐप तो क्या है, पब्लिक को ऐसी आदत हो रखी है सबको अपने घर पर ऑटो चाहिए, जो भी टैक्सी है, रेपिडो बाइक है, तो इसलिए ये काम तो बंद हो नहीं सकता। तो ये जो इन्होंने हड़ताल करी है वो भी फेल होगी। सबसे बढ़िया बात ये है कि अब कोई ड्राइवर से सिरदर्दी नहीं होती, ड्राइवर जहाँ के 100 रुपये बनते हैं वहाँ के 200 मांगेंगे, तो उस तरीके से ऐप अच्छा है। आप ऐप वाला ड्राइविंग करते हैं आप? हाँ करता हूँ। कौन से उस पर आप? मैं ओला और ये रैपिडो चलाता हूँ। ओला और रैपिडो चलाते हैं, कितना आमदनी हो जाता है आपको? देखो जी, मैं तो थोड़ा कम चलाता हूँ, कई बार काम होता है कई बार नहीं होता। अब ओला से 2 ड्यूटी लगी है सुबह 7 बजे से, उतना काम भी नहीं है ये। मतलब जो नॉर्मल चला रहे हैं और जो ऐप्स चला रहे हैं सेम आमदनी है? नहीं, सेम आमदनी नहीं है जी। अच्छा। जो ऐप से चला रहे हैं उनका तो ठीक है, फिर भी जो बिना ऐप के चला रहे हैं उनका कोई काम नहीं है, उनका तो ऐसे ही है। It feels safe because Rapido, if you are asking me to compare Rapido and cabs, so Rapido cabs are much safer than Rapido because obviously it's also uncomfortable, right? I haven't booked any of the Rapidos in my life because obviously when you have an option that you can book an auto or a cab, then why to take a Rapido? Rapido is basically for men's or for boys who doesn't feel like you know, koi sharam nahi hota unhe, so that is. Yeah, so we can book an auto and we can compare the fare and we can say, oh, okay, no, it's taking 50, no, you cannot charge itna. So they also come down to that rate ki chalo, aapko 50 mein hi leke chale jaate, then that is an option. So fare is a major reason, yeah. Jiski wajah se aap Yeah. And obviously, अब जा के आप पूछो कि इधर जाना है उधर जाना है, तो इट्स बेटर ना कि आप एक ही बार बुक करके ऑटो उधर आ जाएगा, उसी आपको डेस्टिनेशन में मिल जाएगा, आपको लोकेशन छोड़ देगा, किसी और ऑटो को पूछ के कि भैया इधर जाने इधर जाने रोकना, इट इज़ ऑल्सो या क्योंकि नॉर्मल ऑटो यूजुअली प्राइसेस बहुत हाइक बताते हैं उन लोग, तो अगर बार्गेन भी करते हैं फिर भी ज़्यादा ही रहता है प्राइस, और ऑनलाइन जब हम सर्च करते हैं तो उस पर काफ़ी अच्छा दिख जाता है डिस्काउंट वगैरह, इजीली अवेलेबल होता है सारे एरिया पे। अब जैसे कि नॉर्मल ऑटोज़ वगैरह हर जगह नहीं मिलती है, लेकिन ऑनलाइन पे तो कहीं से भी कर सकते हैं। मेरे साथ एक केस हुआ है छोटा सा। एक्चुअली एक बार मैं कहीं किसी रिलेटिव के घर जा रहा था लैपटॉप लेके ऑटो में, तो मैंने डायरेक्ट ऑटो करा था, पहले मैंने ऊबर पे करा था, वो टाइम लग रहा था थोड़ा सा, इसलिए मैंने कैंसिल करके डायरेक्ट करा। मेरा लैपटॉप पीछे रह गया ऑटो में, मैंने बैग पे पीछे रखा था तब रह गया वहीं पीछे, और मेरा छूट गया था, मैं जहाँ पे उतरना था मैं उतर गया। फिर बाद में मुझे काफ़ी रियलाइजेशन हुआ कि ऑनलाइन कर लिया होता तो उस पर नंबर वगैरह सारा कुछ होता है वो मिल जाता, और अब तक मुझे वो लैपटॉप नहीं मिल सका वहाँ पर, तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ सेफ्टी इशूज, तो सेफ्टी तो अच्छा है ये। ड्यूरिंग दिस समर इज वेरी हॉट एंड हियर दिल्ली ह्यूमिड, सो आई रेदर प्रिफर कैब
एंड द प्राइस डिफरेंट रेंज इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलर सो आई प्रेफर कैब. ओ या आई फील कैब्स आर मोर सेफ इफ देयर इज एनी लाइक व्हाट वी कॉल दैट इफ एनी सेफ इफ देयर इज एनी राइडर हु लाइक स्नैच और इट विल बी इजिली इन ऑटो राइड नॉट इन कैब दैट्स व्हाई आई प्रेफर कैब. The normal autos are like they will drop you at their spot, like from here to there. And we have like apps, and we can like choose the location we are dropping. So it's much more convenient. I like them. Yeah, they are convenient. But like in smaller towns, when you're traveling via like Rapido, Uber, or anything, they say that they cut a huge amount of fare charges. Like they split it. So they say, why don't you cancel the ride, sir? And then you can give the entire amount to me because I barely make anything that way. I'm not in profit. So I have to cancel it. And I have stopped using Ola for that reason because Ola is saying that I have to pay 150 for the ride I canceled the last time. And I actually used it and I paid the amount. So I was forced to cancel it by the guy. After that, I've stopped doing it, but it's always like, is he gonna do that again? Because I'm from Gwalior and I have to go through that. Mm-hmm. And like, it doesn't happen in Noida and Delhi, but yeah, it happens in smaller places. Yeah, it is really, really safe for females. We feel really, really safe when we are booking an Ola. We don't care about the profit or whatever or the cost. I can like, I'm willing to pay whatever it is because like I'm safe. And I'm reaching to the place safely. That's what matters a lot. First, यही है कि पैसा बहुत ज़्यादा उन लोग चार्ज करते हैं कम डिस्टेंस का. और sometimes क्या होता है ना कि वो cancel कर देते हैं जब हम लोग बहुत important work रहता है तब भी हम लोग का cancel हो जाता है ride. तो उससे हम लोग को बहुत problem होती है. और basically दिल्ली मुंबई में public transport बहुत better है. आप मैं तो bus और tempo ही prefer करता हूँ.